और वैसे भी मुझे अब लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। डूड, मुझे भी लड़कों में दिलचस्पी है। नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे औरतें पसंद है। दामंदा से कमलसरा रोड है, ये रोड को दिखाते हुए बता रहे हैं लोग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुत्ता, कमीना, हरामजादा। अरे ये गाली थोड़ी ना है, सिर्फ गलोच है। इसमें क्या अंतर होता है? चौका, असली गाली वो होती है जिसमें च हो। बहन च, मादर च। अरे च की माया तो ऐसी है कि वो कर्तव्य को गाली बना दे। उदाहरण, शुक्ला जी के अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध है। शुक्ला जी एक नंबर के बीवी च है। मुझे क्यों तोड़ा? अरे खतरनाक लग रहे। एक मामला शंघाई का है, लड़का यहीं का रहने वाला है और एक लड़की को साल भर से डेट कर रहा था। जब उन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचा तो लड़के ने मजेदार स्टेप उठाया। उसने कुल 3 पेज में डेटिंग के दौरान खर्च की गई एक एक पाई का कंप्यूटराइज लॉग तैयार किया। ये लॉग रिलेशनशिप के दौरान हर दिन खर्च किए गए पैसे का हिसाब था। इनमें 2 पानी की बोतलें और स्नैक्स पर किए गए खर्च भी मेंशन है। जो स्नैक्स लड़की ने अकेले खाए उसे भी लिखा गया है। कपल एक्सपेंडिचर भी लिखे हैं। डिनर और लंच के खर्च को आधा कर दिया गया है। ये करीब 7 लाख रुपए तक का खर्चा आया है। शाबाश बेटा। जरा फिर से कहना। 2 बार बोल चुका हूँ यार, बह रहा है क्या? वाह, क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे हैं? इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है, जो भी है तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, पता है हरामी हो। यार तुम लड़के लोगों को दहेज को चाहिए होता है। तो फिर तुम मत मारो सरकारी नौकरी वालों के लिए।
यार ये कुछ लोग इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में ना फादरलेस बिहेवियर लिख के चले जाते हैं। मेरी मम्मी बुरा मान गई है, वो कह रही है मदरलेस क्यों नहीं लिख रहे हैं ये लोग, है कि अब भाई बिगड़ी हुई बच्ची का क्रेडिट भी उसके बाप को ही दे दो तुम। कुछ ब्लेम तो औरतों के लिए भी छोड़ दो, वो बेचारी अपने राइट्स के लिए तो लड़ती रहती है, वो तो उन्हें घंटा नहीं मिलता, अब ब्लेम भी देना बंद कर दिया तुम लोगों ने। है औरतें तो बेचारी घबरा गई है कि कल को किचन में उनसे रोटी खराब बन गई तो उसका ब्लेम भी बाप पे ही चला जाएगा कि यही आदमी होगा जो गंदी चक्की से आटा पिसवा के लाया होगा तभी तो रोटी खराब बनी है। है अरे भाई औरतों को उनका हक तो मिलता नहीं है, अब तो ब्लेम भी देना बंद कर दिया तुम लोगों ने। नहीं अब औरतें जाए तो जाए कहाँ, नहीं अब किचन में जाने को बोला ना किसी भड़वे ने तो उसकी चाय में हार्पिक मिला के पिला दूंगी। आए बड़े अगर तुम्हें पता चले शादी के बाद कि मेरे पास एकदम पैसा वैसा नहीं है, हम कंगाल आदमी है, तो तुम क्या करोगी? शादी के बाद तेरे पास अभी भी नहीं है। मन तो कर रहा है तुझे प्रपोज कर दूं, रिजेक्ट तो नहीं करेगी ना? चुपड़े बसुर के दोस्ती की ना तीन स्टेज है, पहले दोस्त से बनता है वो आपका भाई, दोस्ती की दूसरी स्टेज होती है जब आपका दोस्त बन जाता है बेटा, दोस्ती की तीसरी और सबसे घातक स्टेज आती है जब दो दोस्त अखंड सिंगल एक सुनसान रात में रूम में बैठे होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त की आंख में देखता है, बोलता है भाई तू लड़की होता ना शादी कर लेता मैं तो उससे।